हाय गाइज सकलोके नमस्कार आज आको पुनर एक नतुन भिडिओर आज मैं बनबले गई आसोलोगत मटन यू मटन लाइक एक करी टाइप बनाम सो आज मैं आपको दिखाने जा रहे हैं मटन करी कैसे बनाता है। ओ भी कैसे बनाता है नहीं बनाता तो सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है सब एक जैसे ही बनाते हैं बट मटन ये हमने रेडी करके रखे हैं और मटन को बनाएंगे मैं आज बहुत फ्रेश मटन है मैं ला के धो के रखा हूँ आज बनाएंगे कुकर में। और मटन कैसे कुकर में बनाते हैं हम लोग उसको थोड़ा दिखाने जा रहा हूँ। सो इंग्रेडिएंट्स में तो आपको मालूम ही है प्याज तो चाहिए मटन बनाएंगे तो प्याज नहीं होगा और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिए नहीं होगा तो होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। बाकी टमाटर मैंने काट लिया हूँ अपने हिसाब से मटन के हिसाब से और अपना एक डेढ़ किलो का मटन है मतलब तकरीबन इसके लिए हमने अपना अपना तरीका है सबका अलग अलग। सो मैंने कुछ आलू भी बना रहा हूँ तो सो गाइस देखिएगा वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आलू के साथ बहुत लोग कम ही खाए मटन हम लोग तो आलू के साथ भी देखे क्वालिटन खाते हैं। थोड़ा सा कड़ी पत्ता है इसको थोड़ा सा सुखा के रखा था हल्का सा गोल मिर्च है गोल की बोलते हैं इसको गोल मिर्च है और कुछ लौंग और अपना कच्चा मतलब अपना इसको क्या बोलते हैं चिल्ली मतलब जिसको हम लोग मिर्च बोलते हैं कच्चा वाला हरा मिर्च जिसको हरा मिर्च बोलते हैं और हल्का सा आपका दालचीनी पाउडर तो नहीं है मेरे पास खैर पाउडर के अलावा मैं इसको अलग से डाल दिया हूँ क्या बोलते हैं जो हम लोग हार्ट में आता है दालचीनी वही रखा हूँ। सो अभी मैं जाता हूँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टाइम हो गया है जल्दी जल्दी करना भी आज गैस को ऑन कर लेता हूँ मैं गैस ऑन हो गया अपना अभी रेडी करते हैं उसके बाद। और स्पेशल चीज़ तो ये है आपको बताना भूल गया मैंने आज बनाऊंगा ये तो इसमें तेल नहीं डालूंगा इसमें अलग चीज़ डालता हूँ घी डाल के बनाऊंगा सबसे ये सीक्रेट है मेरा थोड़ा सा घी डाल के बना के दिखाता हूँ और मुझे लगता है आप लोग भी बनाए हैं कभी ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया है घी के साथ बनाने का स्वाद ही अलग होता है फिर इसलिए देखूंगा अभी पानी देखिए कुकर में पानी था तो पानी थोड़ा सा सूख रहा है धीरे धीरे करके और घी देखिए आप लोग ये अमूल के काऊ घी है जिसको अमूल के डेयरी में मिलते हैं तो इसका घी मुझे इसके अनुसार घी डालना पड़ेगा मुझे। सो मैंने घी अपना थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया इसमें अभी उसके अनुसार घी मेरे को हो जाएगा। उसके बाद अभी मैं धीरे से क्या करूँगा आपको ये प्याज डालना है उसके बाद मुझे ठीक है। सो प्याज डालेंगे उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक एक चीज़ डालते जाएंगे। सो गाइज आप लोग देखते रहेगा वीडियोस इसको स्किप मत करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। सो देखिएगा मटन का रेसिपी बनाने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। सो मैंने इसमें ऑलरेडी इन्ग्रीडियंट्स डाल दिए हैं इसमें पहले सबसे पहले हरा मिर्च डालते और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लौंग इलायची दालचीनी का जो दाना था उसको डाला उसके बाद मैंने क्या डाला आपको प्याज डाला और जो हरा करी पत्ता है ना करी पत्ता डाल दिया था ये सब डालने के बाद इसको थोड़ा सा अभी घुमा के हल्का जो दाना दिखाया था आपको गोल मिर्च का वो भी डाल दिया मैंने ताकि तेल में अपना घी में पक जाए बढ़िया से। और थोड़े देर के बाद मैं देने वाला हूँ इसमें तेज़ पत्ता ज़्यादा नहीं लिया दो ही लिया तेज पत्ता डाल दूँगा। सो ये खाना तो बड़ी यमी होने जा रहा है आज। सो आज वीकेंड भी है सो वीकेंड के स्पेशल बना रहा हूँ मैं। मैंने क्या डाला इसमें एक्चुअली प्याज थोड़ा मुझे लगा कि कम हो गया इसको मैं इसलिए वीडियो को स्किप करते हुए आपको कट के नहीं दिखाया नहीं पूरा प्याज एक प्याज और डाल दिया काट के मुझे लगा कि प्याज का मात्रा काफ़ी कम है क्योंकि ये कम हो गया था काफ़ी अभी तो और भी कम होने वाला है इसमें। so, हमको एक हाँ। अनोखी चीज देखने को मिला है ये मेरा भाई है इधर आगे है वो है ये वाला ये चीज ये तो देखिए ये बेम्बू का है कितना अच्छा से बनाया है इसको पूरा मतलब वीडियो इसलिए ऐसा हो रहा था ब्लड इसमें पूरा उसका भाप आ गया था बाहर अच्छा वीडियो बिल्कुल ब्लर टाइप हो रहा था। सो अभी उसके बाद मैं गार्लिक रेडी करके रहा हूँ गार्लिक डालने के लिए और कुछ
टमाटर वगैरह तो काटा हुआ है पहले से ही, सो आप देखते रहे वीडियो को, स्किप मत करिएगा। ये देखिए काफ़ी अभी बढ़िया कलर हो गया, जो जिसको ब्राउनिश कलर आ रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी गार्लिक को दे देता हूँ। जो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट था ना, इसको बनाया था खुद ही, तो इसको डालना ज़रूरी हो गया। साथ साथ में मैं और एक चीज़ डालने वाला हूँ, इसको तो पहले हिला करने तो लग जाएगा। और इसको आप ध्यान रखिएगा, सीन आपका मूड थोड़ा सा सीन नहीं होना चाहिए ज़्यादा, जैसा वॉल्यूम इसका जो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा करके रखेंगे तो ये जल सकता है। जैसे मेरा अभी हल्का फुल्का हो भी रहा है, सो मैं को डाल दिया इधर। दो जो आपको तेज पत्ता दिखाया था, दो ही लाया हूँ, ज़्यादा नहीं लिया हूँ, तो तेज पत्ता ताकि थोड़ा सा फ्लेवर में चेंज आए, तेज पत्ता डाला हूँ अभी। उसके बाद अभी इसको थोड़ा देर तक मैं लाऊँगा, और आप चाहे तो नमक अभी भी डाल सकते हो या पूरा इंग्रेडिएंट्स डालने होने के बाद भी डाल सकते हो। इसको ऐसा करना है, लाना है। सो मैंने इसमें मसाला थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया अपने स्वाद अनुसार, जो इसमें होता है क्या, हल्का सा मिर्ची पाउडर डाला, हल्का सा धनिया पाउडर और हल्का जीरा पाउडर, इतना डाल दिया मैंने। आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ, एक हाथ से फिर बनाना भी पड़ा, सो इतना तो हो नहीं पाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने बनाया वैसे। अभी मैं चिकन को, सॉरी चिकन नहीं मटन, एकदम भूल ही गया था, चिकन बोल रहा था, मटन को डालने वाला इसमें। मटन मैंने ले लिया, अभी मटन को इसको लेके धो तो रखा ही था पहले, अभी कर डालने वाला हूँ, थोड़ा पकड़ना कैमरा। सो मटन मैंने ले लिया, अभी मटन को धीरे करके इधर डाल रहा हूँ, इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये कैमरामैन फ्रीडम के साथ भी आ गया, अभी मेरा भाई भी कैमरा में बना रहा है। ये मटन बना रहे हैं हमारा दीपक जी, देखिए। बस 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 बस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलेगा आराम से, पूरा सब बस हो गया, पूरा सब खाली कर दिया, पूरा जितना भी था सब पूरा सब डाल दिया कुकर में। ठीक है, इसको अभी हिलाना है हमें सबसे पहले, ये नहीं तो फिर, और मैश करना है पूरा जितना भी मसाला और प्याज था उसके साथ, तो धीरे धीरे करके हम इसको हिलाते रहेंगे। देखिए मैंने आलू भी ऑलरेडी अंदर दे दिया हूँ इसके कुकर के अंदर, सो आलू भी धीरे धीरे पकने लगे हैं, और अभी तो इसका काफ़ी अभी से खुशबू आने लगे है यार, फ्रेगमेंट देखो इसका। थोड़ा देर के बाद मुझे क्या क्या करना बताता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें। टमाटर पहले मैंने नहीं डाला, वो रीज़न क्या है, टमाटर डालने से पहले वो ठीक से पकते नहीं है, तो पहले मैं मीट को पूरा पका ले रहा हूँ। आलू अभी डाल दिया, काफ़ी पकने के बाद आलू डाल दिया मैंने, सो उसके बाद उबालते हुए थोड़ा पानी भी रखा हूँ इधर, गर्म पानी करके, ताकि मैं इसको बाद में थोड़ा सा पानी दे सकते हो उसमें, और सूखने देता हूँ उसको, तो कंटिन्यू करते हैं हम। गाइस देखिए अभी मैं टमाटर डाल दिया हूँ इसमें, टमाटर डालने के बाद अभी थोड़ा सा मैंने इसको मैशअप कर दिया, इसको हिला दिया हूँ, और उसके बाद थोड़ा देर मैं बंद रखूँगा इसको, ताकि बढ़िया से टमाटर इसमें मेल्ट हो जाए और पक जाए, और मटन का स्वाद अलग हो जाए। सो आप लोग देखिएगा कितना मज़ेदार मटन बनने वाला है आज। फाइनली गाइस जस्ट मेरा मटन करीब बन चुका है, अभी ये तो सीम में दे के रखा हूँ, उसका कलर आप देख सकते हैं कैसे बढ़िया, इतना यम्मी कलर आया है। सो मैं इसको और जस्ट 5 मिनट के बाद उतार दूँगा, उसके बाद रेडी है खाने के तैयार। और मैं इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर दिया हूँ, अभी आपको सर्व करने के लिए तैयार हो गया है। सो मटन करी इज रेडी नाउ। सो ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोग शेयर करते रहिएगा, और आपका प्यार हमेशा मुझे ज़रूरत है, आप लोग के लाइक शेयर कमेंट का भी बहुत बहुत ज़रूरत है। सो आज के लिए शुभरात्रि।